नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां मीरापुर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक वैगनार कार और एक तेल टैंकर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार सहित तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने बमुश्किल घंटों की मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि बिजनौर जनपद के शिवाजी नगर निवासी मंजू के पैर में कुछ दिन पूर्व फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज मुजफ्फरनगर में चल रहा था, जिसके चलते शुक्रवार की सुबह वैगनार कार में सवार होकर 50 वर्षीय मंजू अपने बेटे जो कि कार चालक हैं, 26 वर्षीय अक्षय और अपनी 28 वर्षीय भांजी शीतल को लेकर दवाई लेने के लिए मुजफ्फरनगर आ रही थी। उसी दौरान मीरापुर के दिल्ली पौड़ी मार्ग पर स्थित सिखरेड़ा गांव के पास उनकी कार और एक तेल टैंकर की जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना के बाद वहां टैंकर का ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया, तो वही कार में सवार महिला, उसके बेटे और भांजे की हादसे में ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौका पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर टैंकर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की एक खास रिपोर्ट। मीरापुर थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव के पास एक टैंकर और वैगनार कार में आपस में टक्कर हो गई। उसमें दो महिलाओं की और एक पुरुष की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। टैंकर को पकड़ लिया गया है और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था कर ली गई है। इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।